आरती लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। कितने शर्म और अफसोस की बात है कि ऐसे पेशेवर हत्यारे जो पुलिस, 8 पुलिस कर्मियों को, बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस अलग अलग है क्या? पूरे देश की पुलिस एक है और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा, अब बहुत यहां से सुरक्षित निकल जाएगा, यह कैसे हो सकता है? और एक देखे एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा, यह शर्म की बात है, यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फलेगी कि नहीं? आप शासन को कमजोर कर रहे हैं, आप सरकार को कमजोर कर रहे हैं, आप पुलिस को कमजोर कर रहे हैं। शेर है ये, नपुंसक भी किसी को गोली मार सकता है। तो हमारे 8 पुलिसकर्मी जो गए थे यूपी में, उसके यहां घर छपे, उसकी गिरफ्तारी, वो चूहे थे, वो मारने वाला, नपुंसक गोली चलाने वाला, वो शेर हो गया अपराधी। तो आए शेर का शिकार कैसे होता है बिहार में, उसको बताया जाएगा। अगर ये ऐसे ही अपराधी शेर हैं तो भगत सिंह कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, अब्दुल हमीद कौन थे, अशफाकुल्ला कौन थे? अरे शेर होता है जो वतन के लिए शहीद होता है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अपराधी को हीरो बना रहे हैं लोग और आप पूछ रहे हैं कि बिहार में आ जाएगा तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे उसकी? खगड़िया में एक हमारे सब इंस्पेक्टर को मारा एक अपराधी ने, क्या किया पता है आपको? आएगा, छूट करके चला जाएगा यहां से सही सकुशल। अपराध की संस्कृति के खिलाफ लड़ना होगा जनता को, सारे लोगों को। केवल अपराध की संस्कृति पुलिस खत्म नहीं कर सकती है, इसलिए अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, उसको हीरो मत बनाइए, उसको सम्मान मत दीजिए, उसको शेर मत बनाइए। अपराधी के पास मनोबल नहीं होता है, आत्मबल नहीं होता है, नपुंसक होते हैं ये। और अपराधियों को सम्मान अगर देंगे तो इसका मतलब अपराध की संस्कृति को आप सींच रहे हैं। जनता को अब जागना चाहिए। हीरो वो होता है जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। और यूपी पुलिस के हमारे जितने भाई शहीद हुए हैं उनको समझना चाहिए इस बात को कि आपस में एक रहो। अपराध की संस्कृति को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना है, तभी यह समाज बचेगा, तभी यह देश बचेगा। ये बात समझनी।